नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि और किसान कल्याण बोर्ड के प्रमुख सचिव नवहन चौधरी ने किसानों के कल्याण के लिए बैठक कर ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण फसलों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है और साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर सर्वे की रिपोर्ट सौंपे ताकि प्रभावित किसानों को सहायता राशि दी जा सके। कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ ऑफ इंडिया ने सहकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए अवार्ड की शुरुआत की है। इसमें रामनारायण शर्मा अवार्ड फॉर संकल्प सहकार्य और दामोदर पांडे अवार्ड फॉर सहकारिता सिद्धि दोनों के लिए 28 एंट्री थी, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात को संकल्प सहकार्य अवार्ड और बैंकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे महाराष्ट्र को सहकारिता सिद्धि अवार्ड से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश में अन्नदाता को अनुदान पर कृषि यंत्र मिलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आपको बता दें कि इच्छुक किसानों को 18 नवंबर तक पहले आओ पहले पाओ के तहत आवेदन करना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया है कि प्रदेश में डीएपी उर्वरक की कमी नहीं आने दी जाएगी, जिसके चलते केंद्र से बातचीत करके अतिरिक्त रैक देने की मांग की है। आपको बता दें कि अगले 4 दिनों में हरियाणा को 16 अतिरिक्त रैक मिलेंगे, जिसके बाद से जिलों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो सकेगी। पौधे के अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने देश के 5 संस्थाओं को 10-10 लाख रुपए का पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार दिया है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार किसान समुदायों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने पौधे के अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण किया हो। इस दौरान तोमर ने यह भी कहा कि फसलों की ऐसी नई किस्में इजाद की जा रही हैं जो जलवायु तथा पर्यावरण के अनुकूल हो। पंजाब विधानसभा में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी व नवजोत सिंह सिद्धू की अकाली विधायक बिक्रम सिंह मजाठिया से जमकर तूतू मैलो हुई। दोनों ओर से विधायक एक दूसरे पर चढ़ते नजर आए। इस पर स्पीकर ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। तो वहीं विधानसभा में कृषि मंत्री रणदीप नाभा ने यह भी ऐलान किया कि पंजाब में तीनों कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे। ब्राजील और भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की संस्थाएं 17 और 18 नवम्बर को ब्राजील भारत संगोष्ठी सतत गतिशीलता इथेनॉल वार्ता के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगी, जिसमें भारत की इथेनॉल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के कार्यकारी निदेशक प्रशांत के बैनर्जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कृषि जागरण की टीम ने आज राजस्थान के जयपुर के कोटपुतली में विजिट किया, जहां उन्होंने ग्रामीण स्तर पर छोटे व सीमांत और साथ ही प्रगतिशील किसानों से बातचीत की, साथ ही उनकी कृषि से जुड़ी समस्याएं जानने की कोशिश की। तो वहीं उन्हें खेती से जुड़ी और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियों के बारे में भी जागरूक किया। दिल्ली एनसीआर में अब धीरे धीरे सर्दी जोर पकड़ने लगी है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में सर्द हवाएं चलेंगी, जिससे कि तापमान में भी कमी आने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।